नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबसे सूजी के कुलचे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पर दोस्तों हमने ले लिया है 2 कटोरी सूजी। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 4 चम्मच दही और थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। पानी की कोई ऐसी माप नहीं है कि जिससे बस उतना ही डालना है, आपको जैसा लगे कि अब जो है गाढ़ा हो गया बस इतना ही ज़्यादा ठीक है, बस उतना ही आप करिएगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे फूलने के लिए। तब तक हम लोग तैयारी करेंगे इसमें भरने के लिए, जो बनाएंगे आलू उसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें लगभग बस 1-1.5 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें हम आलू भूनेंगे। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 आलू, लगभग लिए हैं 4 आलू लिए हैं, उसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे पंचफोरन उसको बोलते हैं, इसमें जीरा, सौंफ और राई, हींग ये सब डालेंगे। डाल दी है हींग 1 पिंच। अब इसमें हम ये पंचफोरन डाल देंगे और जब ये चटकने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर देखिए हमने 2 प्याज काट ली हैं बारीक बारीक। अब इसको हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा भुनेंगे इसको। वह हमको इसको लाल नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट कर लेंगे हल्का सा। फिर इसमें डाल देंगे आलू, यहाँ डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और इसमें फिर हमने ऐड किया है 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको बस थोड़ा सा 1/2 मिनट भून लेंगे। उसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे आलू। आलूओं को हमको चलाते हुए जो है इसको देर तक भूनना है जो कि मैश हो जाए खूब अच्छे से, ये एकदम जैसे भरता बनता है उस टाइप की हो जाएंगी भूनते भूनते। अभी आप देखिएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू हमारी लगभग भून चुकी है। अब ये जो नीचे तली में लग रही ना, इसको खुरच खुरच कर हम छुड़ा के और इसमें भूनते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1 हरी मिर्च डाल दी है क्योंकि चटपटा बनाना है तो थोड़ा तो मिर्च बनती है, और इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया काट कर। अब इसको हम खुरच खुरच कर भून लेंगे। खुरच खुरच भूनने से क्या होगा दोस्तों कि इसमें सौंधापन आएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी बनाता है ये। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में दोस्तों हमने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 चम्मच चाट मसाला जो कि इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देगा। बस फिर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब इसको हम बस मिक्स कर लेंगे और जो है बस इसको नीचे उतार लेंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने जो आलू बनाए थे उसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रख ली हैं इकट्ठे। अब हम इसको कुलचे में भरेंगे, देखिए आगे कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हमने सूजी जो भिगोई थी वो फूल कर एकदम तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमको गाढ़ा लग रहा है जिससे कि थोड़ा सा पतला हो जाए और हमको डालने में आसानी होगी तवे पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच ये बेकिंग सोडा, ये इसको डालने से इसमें बबल्स आएंगे और ये अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। इसको आप लास्ट में ऐड करें, जब आपको इसको तुरंत बनाना हो उसी समय इसको ऐड करें। देखिए यहाँ पर हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको पूरे में
लगा देंगे, जिससे कि हमारा कुलचा जो है इसमें चिपके ना, आसानी से निकल आए। यहाँ पर देखिए हमने तवा चढ़ा दिया, उसके ऊपर हमने एक चम्मच ऐसे डाल दिया है घोल को, और इसको बहुत पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा, ऐसे मोटी रोटी बनती है उसी तरह से इसको डालकर बस थोड़ा सा फैला देना है बस। इसमें देखिए कैसे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब इसको हम धीमी आंच पर लाल लाल सेक लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको पलट दिया है, ये बिल्कुल अच्छा से अच्छे से लाल लाल हो गया है। अब ऐसे ही इसको दोनों तरफ से पका लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको पलट दिया है, अब इसमें हम बीच में रख देंगे टिक्की, और इसके ऊपर से फिर एक चम्मच घोल डाल देंगे। ये देखिए बस, अब इसको हमको फैलाना नहीं है, इसको धीरे से फिर दूसरी साइड पलट देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी धनिया स्प्रिंकल की है, आप चाहें तो डालें ना चाहें ना डालें। बस ये देखिए हमने पलट दिया है, अब इसको इस साइड भी हम थोड़ा सा किनारे से तेल डालते हुए पका लेंगे। देखिए यहाँ पर ये एकदम बन गया है। दोस्तों आप लोग भी ऐसे इसको दोनों तरफ से पलटते हुए पका लेंगे, ऐसे सारे कुलचे तैयार कर लीजिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कुलचे बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं खाने के लिए। आप भी ऐसे ही बनाइए, हमने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, इमली की चटनी हो या हरी चटनी के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी इसे बनाएं खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।